स्लिप डिस्क का सबसे अच्छा इलाज क्या है? जब स्लिप डिस्क हो जाती है तो कमर थोड़ी कमजोर हो जाती है और नसों पे दबाव आने से पांव में दर्द जाता है। इसका सबसे अच्छा इलाज तो बिना ऑपरेशन के ही है, अगर क्योंकि हमें पता है कि 90-95% केसेस में शरीर इस स्लिप डिस्क को या डिस्क प्रोलैप्स को ठीक कर देता है। लेकिन अगर उस टाइम में हम अपनी फिजियोथेरेपी करके, दवाइयां लेके नस के अराउंड सोजिश को कम कर लेते हैं और कसरत करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छा इलाज है। इसमें मदद करने के लिए अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो कमर में इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मरीज को कसरत करके मांसपेशियां मजबूत करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे मरीज जिनमें दर्द ठीक नहीं हो रहा या पैर में कमजोरी आ रही है या सुनपन आ रहा है, ऐसे मरीजों को माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशन जिसका नाम है माइक्रोडिस्केक्टमी, मतलब माइक्रोस्कोप से डिस्क के ऊपर से प्रेशर हटाना, ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए ताकि उनकी मांसपेशियों में कमजोरी ना आए या जो नमनेस आ गई है, सुनपन आ गया है, वो परमानेंट रह ना जाए।